गंज बसोदा विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर विदिशा जिले में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है। इधर कांग्रेस ने गंज बसोदा में हारे हुए प्रत्याशी पर फिर से दाव खेल लिया है। विदिशा से शशांक भार्गव और शमशाबाद से विधानसभा क्षेत्र से कुंवर विक्रम सिंधु और गंज बसोदा से पूर्व में हारे हुए प्रत्याशी निशांक जैन भाजपा प्रत्याशियों से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि गंज बसोदा क्षेत्र से कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों के द्वारा सीट लेने के लिए प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन कांग्रेस की नीति रीति सबसे परे है। हारे हुए प्रत्याशी निशंक जैन गंज बसोदा कांग्रेस के द्वारा विरोध भी शुरू कर दिया गया है। यहां से प्रहलाद सिंह रघुवंशी, राजेश महेश्वरी, पंकज एलिया के द्वारा भी टिकट की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर निशंक जैन पर भरोसा जता दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम ओपन नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रत्याशियों की टिकट मांगने की कतार लंबी है। भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट मिलने के बाद विरोधी सामने आ सकते हैं। तो देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसोदा की जनता आखिरकार किसको वोट देती है और किसको विधायक का ताज पहनाती है। लेकिन गंज बसोदा में प्रहलाद सिंह रघुवंशी, राजेश महेश्वरी और पंकज एलिया हजारों समर्थकों कार्यकर्ताओं में जोरदार आक्रोश बना हुआ है। यहाँ समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन के लिए समस्या भी खड़ी कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। आदर्श न्यूज के लिए गंज बसोदा से पत्रकार शैलेश महलवार की रिपोर्ट। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।